ये जिंदगी हाय नमस्ते सलाम जैकी बंदे के नाम वेलकम टू माय लाइफ वेलकम टू माय ब्लॉग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंसन जैकी। कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया मेरी माने तो सब सही है ब्रो। और आज के दिन की शुरुआत मैंने सोचा यार गिटार के कुछ गाने के साथ हो जाए। जब मैं आज सो रहा था तो मेरे दिमाग में एक गाना बहुत ज़्यादा रिपीटेडली प्ले हो रहा था, तुम हो तो। इतना सुकून वाला गाना है ना, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने सोचा चलो उठ के सबसे पहले इस गाने से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो बढ़िया सी शुरुआत हो चुकी है और आज मैंने डिसाइड किया कि अंबाझरी लेक हमारे नागपुर में जो है उसको एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से मैं जाने वाला था, वहाँ पे जाना चाहता था, लेकिन आज मौका मिला है तो चलिए निकलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। और वहाँ पे लिखा है आई लव माई नागपुर, देख के आते हैं क्या कुछ है क्या नहीं है। बाकी यानी भैया का बर्थडे का ब्लॉग बहुत अच्छा बना है, इतने सारे क्रिएटर्स आके इतना मज़ा आया ना उसमें। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो क्या कर रहे हैं यार, कल का ब्लॉग जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में देखो। तो बाकी मैं देख रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएशन के मामले में अपने नागपुर का माहौल चेंज हो रहा है, काफ़ी सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं। और कल जिस तरह से मैंने जितने भी क्रिएटर्स को मिला सारे के सारे टैलेंटेड यार, इतने टैलेंटेड, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड। और मैं भी बच्चा ही हूँ लेकिन अभी थोड़ा सा उनमें उनसे एज में थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन इतने सारे टैलेंटेड लोगों के बीच में रह के बहुत अच्छा लगता है, आपको भी एनर्जी मिलती है, ऐसा लगता है कि क्या धमाल कर दूं, तो बहुत मजा आया। नाइस मीटिंग यू गाइस। अगर आप मेरा व्लॉग अभी देख रहे होगे तो ब्लॉगर बॉय सिड, एसडी व्लॉग्स, हेल्प बॉय भुवन, लोकेश, अथर्व, एनी भैया, काफी सारे लोग थे यार, कमाल के लोग हैं। बाकी हवाओं की बात करूँ तो जब लॉकडाउन हो गया था ना, हवा एकदम नेचुरल, एकदम शुद्ध हो गई थी, लेकिन अभी हवाओं में थोड़ा सा पॉल्यूशन फैल रहा है धीरे धीरे। चलो अभी एनवायरमेंट की बात की है तो अंबाझरी लेक लेके चलता हूँ। 1 2 3 गो। ऑलराइट, सो वी आर हियर एट अंबाझरी गार्डन नागपुर में, और काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इसे एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि यहाँ पे आई लव नागपुर का टैग लगा हुआ है। सो बहुत दिनों से मैंने देखा, 2-3 ब्लॉग्स देखा 2-3 वीडियोज देखा, अब मौका मिला इसे एक्सप्लोर करने का, तो पूरा एक्सप्लोर करेंगे अंबाझरी गार्डन, है ना भैया? हाँ बिल्कुल, तो चलो चलते हैं। वैसे ये सीन देखो अभी, आई लव माई नागपुर। तो अगर आप नागपुर में और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो अंबाझरी गार्डन आ सकते हैं, और यहाँ पे आप विजिट करेंगे स्वामी विवेकानंद पार्क, जहाँ पे बहुत बढ़िया मूर्ति लगी है स्वामी विवेकानंद जी की। आप यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा सनसेट देख सकते हैं, और यार ये बहुत ही मतलब ऐसी फीलिंग होती है ना, क्या बताऊँ, मतलब सनसेट देखते हुए ऐसा लगता है कि यार सूरज जा रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई प्रॉब्लम आते हैं तो प्रॉब्लम ऐसे जाते हैं लेकिन सवेरा होता है, वाह। कभी कभी यार मैं बहुत बढ़िया बातें कर लेता हूँ, ऐसा लगता है कि बाबा संत अपन भी बन जाए, लेकिन अभी समय है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा एनी भैया को बनना है, अपने को नहीं। बाकी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत अच्छा स्पॉट अंबाझरी गार्डन, तो हमें विवेकानंद पार्क आइए, कभी भी एक्सप्लोर कीजिए यार, बहुत मज़ा आएगा। अच्छी फीलिंग है यार, अच्छी फीलिंग है, बाहर निकलना चाहिए। तो बहुत दिनों से ये मैं कवर करना चाहता था, आज ये कवर हो चुका है, बढ़िया लग रहा है। आई लव माई नागपुर, आई लव माई नागपुर।
जिसके साथ आया है, मैंने परसों के व्लॉग में आपको मिलाया था, कालीन भैया, ये कुछ ज्यादा जानकारी जानते हैं इसके बारे में, आइए इनसे पूछते हैं। जब भी बरसात का टाइम होता है तो मतलब तालाब में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और तालाब हो जाता है ओवरफ्लो, तो ये वाली जो जगह दिख रही है ना आपको, तो यहाँ से पूरा पानी बह जाता है, मतलब पूरा झरना जिसे बोलते हैं, पूरा झरने वाला माहौल यहाँ पर रहता है, तो मछलियाँ वगैरह सारी यहाँ से बहते हुए आपको दिखाई देंगी। लेकिन कब? हाँ, बरसात के टाइम पे, अभी नहीं। तो बरसात के टाइम पे कभी आओ तो यहाँ का मतलब नज़ारा कुछ और होता है। तो मछली पकड़ के खाते भी है क्या लोग? जिसको हाथ में मिली वो खाएंगा ही ना, छोड़ेंगे थोड़ी ऐसा है। पर बरसात के टाइम में मज़ा रहता है इस जगह पर, तो चिल आउट प्लेस है ये, कभी विजिट करो। और क्या, यहाँ आएंगे तो गाड़ी पार्किंग में ज़रूर लगाइए, बाहर लगाएंगे तो धोखा हो सकता है। और पे एंड पार्क के 10 रुपये सीट लगता है गाड़ी का, और 10 रुपये स्वामी विवेकानंद पार्क में जाने का, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं और 10 रुपये देके अपनी गाड़ी को सुरक्षित कर सकते हैं। टाइम है मेरे को अभी हीरो बनने का। नहीं नहीं, अरे भैया मैं नहीं, अरे भैया बहुत डर लगता है। तो अंबाझरी एक्सप्लोर करने के बाद निकल रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, लेकिन अच्छी जगह जाएंगे, लेट्स गो। ऑलराइट, वी आर बैक। एक्चुअली हम जाने वाले थे कहीं और घूमने, लेकिन कालीन भैया को घर से फोन आ गया, और घर से फोन आने के बाद कालीन भैया भाग गए सीधा घर पे। हम भी कहीं और जाने वाले थे लेकिन कहीं जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए हम भी घर आ चुके हैं। बाकी एक जगह कैमरा रख के अभी व्लॉग नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पसारा है, और अगर पसारा दिखाऊं तो मम्मी डांटती है कि ये क्या दिखा रहा है व्लॉग में, पागल है क्या? सो डांट पड़ती है, तो इसलिए अभी इधर की साइड नहीं दिखाते। बाकी बहुत अच्छा लगा आज अंबाझरी गार्डन जाके। अगर आप नागपुर विजिट करते कहीं बाहर से, नागपुर से ऐसे जाना हुआ, कहीं ट्रेन रुक गई 2-3 घंटे के लिए, और एक बार नागपुर विजिट करना हो तो अंबाझरी ज़रूर जाइएगा, ठीक है, ये मैं बताना चाहता हूँ। बाकी अगर आप नागपुर आएँ तो कमेंट करें, हो सके तो साथ में मिलके एक्सप्लोर करेंगे नागपुर को, क्या कहते हैं? आप चलते हैं, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। तब तक आपको क्या करना है, आपको बढ़िया से दिल पे हाथ रखना है, कहना है सब सही है ब्रो, कुछ भी हो जाए सब सही है ब्रो, सब सही है ब्रो, सब सही है ब्रो। मिलते हैं कल 8 बजे। अदियोस अमिगोस। बू काबिल वो इंसान है जो बातिल को टुकरा दे, चुल्ले कश्ती वो जो साहिल तक पहुंचा दे, शक्ति वो जो जाहिल शख्स को डांटे चाटे जड़ दे, रुकावट को काटे जड़ से, मंजिल तक पहुंचा दे, जड़ से नाते जोड़े।